कनाडा की एप्लीकेशन अप्लाई की है, रिजल्ट की वेट कर रहे हो, कब तक रिजल्ट आएगा? विजिटर वीजा नवंबर में लगाया था, दिसंबर में लगाया था, कब तक आपका रिजल्ट आएगा? स्टडी परमिट की एप्लीकेशन कैसी प्रोसेसिंग हो रही है? ओपन वर्क परमिट वालों के लिए अच्छी अपडेट कैसे है? क्लोज वर्क परमिट सुपर वीजा पीआर की एप्लीकेशन कब तक क्लियर हो जाएगी? वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आफ्टर बायोमेट्रिक कब आपका रिजल्ट आ सकता है जनवरी में, जिन लोगों ने अप्लाई किया है कितना टाइम वेट करना चाहिए, या जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है क्या मूव ऑफ एक्शन होना चाहिए अगर आपकी एप्लीकेशन बैकलॉग में चली गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीसा फाइलिंग में हेल्प चाहिए या अपना केस डिस्कस करना चाहते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं विजिटर वीज़ा वालों की बात करूं, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं डेली बेस के ऊपर, जी हमने इतने दिसंबर को एप्लीकेशन लगाई थी, हमारे बायोमेट्रिक इतने दिसंबर को हुए थे, 15 को हुए थे, 20 दिसंबर को हुए थे, कब तक रिजल्ट आएगा? तो जितनी भी दिसंबर की एप्लीकेशन है, जो करंट प्रोसेसिंग टाइम है 31 डेज है, ठीक है, तो इसको देखते हुए 80% एप्लीकेशन आपकी मिड ऑफ जनवरी तक क्लियर हो जाएंगी, तो आप वेट कीजिए मिड ऑफ जनवरी तक। 80% एप्लीकेशन जिन्होंने दिसंबर में अप्लाई किया था, आपकी एप्लीकेशन डेफिनेटली कैनेडियन हाई कमीशन जो है क्लियर कर देगा। अगर आपकी एप्लीकेशन उससे भी ज़्यादा पुरानी है, 5-6 मंथ हो गए, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन यूके से भी पेंडिंग है, चलो उनका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर 4-5 मंथ हो गए हैं तो आप एप्लीकेशन विड्रॉल करके नया ट्रैवल प्लान लगा सकते हो। बट नवंबर में लगी है, दिसंबर में लगी है, मिड ऑफ जनवरी तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लियर हो जाएगी अगर आपकी बायोमेट्रिक तब हुई है तो। सुपर वीज़ा वालों की बात करूं, आपका भी प्रोसेसिंग टाइम सेम है, ठीक है, हमने दिसंबर में कुछ एप्लीकेशन लॉन्च की थी, नवंबर के लास्ट वीक में की थी, तो उनके रिजल्ट इन दिनों आ रहे हैं और रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं। विजिटर वीज़ा के ट्रेंड की बात करूं तो कनाडा का ट्रेंड इस समय पीक के ऊपर है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो हमारा नंबर यहां पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने इन दिनों में विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है वो कब तक अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए करंट प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग 30-31 वर्किंग डेज में 80% एप्लीकेशन का रिजल्ट कनाडा क्लियर कर रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट योर रिजल्ट अनटिल मिड ऑफ फरवरी। पीआर की एप्लीकेशन की बात करूं, बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी आ रही है कि जी आफ्टर मेडिकल या जून जुलाई वाली जो एप्लीकेशन है, कुछ मई वाली अब स्टक हो गई है, क्योंकि पहले आज से 2-3 मंथ पहले जो पीआर की एप्लीकेशन थी उनकी प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। इसके पीछे एक ही रीज़न है, जो इंडियन एप्लीकेशन है स्पेशली वो दिल्ली मूव कर दी गई और दिल्ली में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ है, तो ऐसे में एप्लीकेशंस आर टेकिंग टाइम और जो ऑफिसर्स हैं वो अपना टाइम ले रहे हैं। आफ्टर मेडिकल अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ तो 3-4 मंथ आपको वेट करनी पड़ेगी इस टाइम फ्रेम में 80% एप्लीकेशन जो है क्लियर हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे टच में जिनकी एप्लीकेशन हमने भी अप्लाई की है परमानेंट रेजिडेंसी की, तो आपको इतना टाइम वेट करना पड़ेगा आफ्टर अपना जो है मेडिकल। ओवरऑल अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ, जिन लोगों ने अभी भी पीआर अप्लाई करनी है, अगर आप जनवरी में अपनी जो स्पाउजल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो आप जो अपनी एप्लीकेशन की एओआर है वो 2 मंथ बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इन दिनों में लॉजमेंट कम होती है, मैरिज का सीजन चल रहा है, बड़े नंबर्स में लॉजमेंट होती हैं मार्च अप्रैल और मई में, तो आपकी एप्लीकेशन 5-6 मंथ में क्लियर जो है हो सकती है। अब अच्छी न्यूज़ जी ओपन वर्क परमिट वालों के लिए, मैंने एक वीडियो में कहा था कि स्टूडेंट और फैमिली क्लास उनकी हमेशा प्रायोरिटी रहती है, बट उसके साथ साथ जो आपकी एप्लीकेशन है उनके ऊपर भी वो ध्यान दे रहे हैं। अगर एप्लीकेशन को मोर देन 90 डेज हो चुके हैं, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी में आप अपना रिजल्ट। उसके पीछे का बड़ा रीज़न ये है कि स्टूडेंट जनवरी इनटेक का क्लियर हो चुका है, मई इनटेक में टाइम पड़ा है, बड़े नंबर्स में जो एप्लीकेशन है वो क्लियर कर दी गई हैं, तो ऐसे में आपका रिजल्ट आना स्वाभाविक है, आप टेंशन मत लीजिए चाहे 90 डेज हो गए। देखिए जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक एक होप है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, राइट, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तो एक होप ही होती है लाइफ में, घबराने की बात नहीं है, रिजल्ट सभी का आएगा। विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन को अगर ज़्यादा टाइम हो गया है, 4-5 मंथ हो गए इंडिया से, तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, बट अगर इन दिनों अप्लाई करोगे या लास्ट वीक में अप्लाई किया है, यू कैन एक्सपेक्ट योर रिजल्ट इन दी मिड ऑफ फरवरी, उससे पहले भी आ सकता है, बट कुछ एप्लीकेशन को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आई होप आपके डाउट्स अभी क्लियर होंगे। किसी भी तरह की फाइलिंग में हेल्प चाहिए,
अपना केस डिस्कस करना चाहते हो, कैसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, स्टूडेंट वीज़ा एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।